हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीके से आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग जैसे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं इस तरीके से, तो वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते बिना देर करते हुए। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ़ोटो एडिट किया जाता है। तो चलिए एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरफेस है एप्लीकेशन का, ये होम पेज है जो एप्लीकेशन हमने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे हमें ये जो लोड्स ए फोटो जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से अपना बैकग्राउंड ले लेना है। तो हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बैकग्राउंड ले लेते हैं ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो हम इस बैकग्राउंड को ले लिए हैं। अब यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद हम इस पर फोटो ऐड करेंगे। तो फोटो जोन सा हमें लेना है, उस फोटो को ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ से इस पर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ऐड फोटो पे क्लिक करके हम फोटो क्लिक ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फोटो है जिसे हम कटिंग करेंगे और इसे हम इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या बैकग्राउंड इस फोटो की और इस बैकग्राउंड इसके बीच हम कौन सा बैकग्राउंड लगाएंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले से हम क्रॉप कर लेंगे थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ से छोटा कर लेंगे। इसके बाद क्रॉपिंग में थोड़ा हमें कम टाइम लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें क्रॉप कर लेना है। इसके बाद यहाँ डन का बटन दबा देना है, ये वाला। तो ये हमने दबा दिया, ये डन हो चुका है। तो पहले हम इस फोटो को थोड़ा दोस्तों इस कैंची के बटन पे क्लिक करेंगे। और कैंची के बटन पे क्लिक करने के बाद हम तो दोस्तों इस फोटो पे हमें पहले क्लिक करना है और नीचे इस कैंची के बटन पे क्लिक करना है। ये दोस्तों फोटो देखो, फोटो कटिंग होने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलो पहले हम दो उंगली से फोटो को जूम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दो उंगली से फोटो को जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम थोड़े ये फोटो ये साइज बढ़ा सकते हैं, क्रॉपिंग का, ये मतलब एडिटिंग का साइज है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ये गोल वाला है, ये गोल वाला, इसकी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको ऐसे ऐसे करने से, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसकी साइज बड़ी करें ताकि जल्दी हो जाए एडिट। तो इसको इतनी बड़ी साइज करके हम यूं करके छोटा कर देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमें कटिंग थोड़ा और छोटा कर लेना ताकि अंदर तक जा सके। दोस्तों इस तरीके से हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, जैसे देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, जिस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके से आप भी कटिंग कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे गांव का आदमी है, ठीक है। तो उसको एक सीमा कर दिया उसने कि 10 लाख लेके जा रहा हूँ तो मैं 80 लाख को हारना है। ये 10 लाख जितावे क्यों हरावे, दिवाली में आता है वो खेलने के लिए। खाली दिवाली, अब वो भी नया बाजार में खेलता है। तो अच्छा, नया बाजार में जब रेड मारती है ना, एक छत से अगर फ्रेंड्स अगर आपका फ़ोटो इस तरीके से कट जाता है तो आपको करना क्या है, आपको इस एरो पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आपका फ़ोटो वापस सही हो जाएगा। तो चलिए क्लियर कर दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, तो आप इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा फोटो एडिट हो चुका है, और देखिए जो एक नंबर चार नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, ये थोड़ा मोटा जो बाकी होता है साइड वगैरह में, तो एक नंबर चार नंबर करने पे बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग हो जाता है। तो हम ज़ीरो पे रखेंगे क्योंकि हमने पहले से अच्छा सा कर रखा है इसकी कटिंग। तो दोस्तों अगर सही से कटिंग ना होने पर ही हम लोग पाँच नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाती है फ़ोटो में, अगर इधर उधर थोड़ा मोटा बचा होता है। तो हमने पहले ही अच्छे से कर रखा था, इसीलिए हमने ज़ीरो पे रखा, और इसे हम डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डन का बटन दबाएंगे अब हम, और उसके बाद हम यहाँ से जो हमने बैकग्राउंड चूज़ किया था उसके ऊपर ले जाएंगे इसको। यहाँ से हम देखिए दोस्तों ज़ीरो पे रखा है हमने, पाँच पे रखेंगे तो हमारा फोटो और ज़्यादा कट सकता है, इसलिए हम ज़ीरो पे ही रखेंगे क्योंकि हमने अच्छे से काट रखा है फ़ोटो को। तो अब हम डन का बटन दबाते हैं, ये कोने पर जो है, तो ये हमारा बैकग्राउंड पर आ चुका है फ़ोटो। उसके बाद देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने फ़ोटो को सेट किया, बड़ा ही आसान है दोस्तों, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐसे ही आप भी अपना फ़ोटो भी चाहे तो बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ऐप है ये, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं इससे यूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्रमोटिंग वीडियो नहीं है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस तरीके। तो फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा फ़ोटो बन चुका है, तो आप भी इसी तरीके से अपना फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें साथ साथ, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों।